हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू एन एपोकैलिप्टिक पोएम। योर अटेंशन प्लीज। दैट इज कंपोज बाय पीटर पॉटर। पीटर पॉटर वाज बोर्न इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया इन 1929, बट इन 1951 ही मूव्ड टू लंदन, वेयर ही वाज एसोसिएटेड विद द ग्रुप। द ग्रुप वाज ए फॉर्मल ग्रुप ऑफ पोएट्स that used to meet in London from mid-1950s to mid-1960s. Before becoming a freelance writer, Mr. Peter Potter was working in bookselling and advertising. Ek freelance writer banne se pehle, Peter Potter bookselling aur advertising mein karya karte the. Kuch unke important works ke baare mein jaan lete hain. His poem first appeared in summer 1958 and in October 1959 issues of Delta. Delta was a poetry magazine. His poem Metamorphosis that was appeared in Times Literary Supplement in 1960s acquired a wide range of audience for his work. His first collection of poetry, that is Once Bitten and Twice Bitten, was published in 1961 by Scorpion Press. Now we will talk about something about the present poem, Your Attention Please. In this poem, Peter Potter dwells into the theme of apocalypse, government and society. The tone of this poem is direct and unemotional. That's why it is able to foster the panicked mood टू द लिसनर। पोयम है योर अटेंशन प्लीज, एक एपोकलैप्टिक पोयम है। वॉट इज एपोकलैप्टिक पोयम? एपोकलैप्टिक लिटरेचर इज अ लिटरेरी जॉनरा। इट फोरटेल्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड और इट डिस्क्राइब्स द वेरी इंटेंसिफाइड बैड इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जो एपोकलैप्टिक लिटरेचर होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि वर्ल्ड का एंड होने वाला है फ्यूचर में, या फिर बहुत ही कुछ ड्रास्टिक घटना होने वाली है फ्यूचर में। दिस पोयम योर अटेंशन प्लीज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एपोकलैप्टिक पोयम। तो शुरू करते हैं पोयम को टेक्स्ट के साथ। योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। द पोलर DEW हैज जस्ट वॉर्न दैट अ न्यूक्लियर रॉकेट strike of at least 1,000 megatons has been launched by the enemy directly at our major city. Starting ही होती है एक chilling announcement से। क्या announcement हो रहा है? तो polar DEW, D distant, E early, W warning. Polar distant early warning has just warned. इसने अभी अभी announcement किया है। क्या किया है? A न्यूक्लियर रॉकेट स्ट्राइक ऑफ, कि एक न्यूक्लियर रॉकेट छोड़ दिया गया है, एक न्यूक्लियर बम स्टार्ट कर दिया गया है, अपने गंतव्य की ओर वो चल चुका है, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए चल चुका है, एटलीस्ट 1,000 मेगाटन, और ये 1,000 मेगाटन भारी है। हैज बीन लॉन्च बाय द एनिमी डायरेक्टली एट अवर मेजर सिटीज, हमारे शत्रु के द्वारा हमारे देश की मेजर सिटीज के लिए ये मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। दिस अनाउंसमेंट विल टेक 2.25 मिनट टू मेक। और क्या कहता है अनाउंसमेंट? ये कह रहा है कि ये अनाउंसमेंट करने में 2.25 मिनट लगेंगे, यानी कि 2.25 मिनट लगेंगे केवल मात्र। यू देयरफॉर हैव अ फर्दर 8.25 मिनट टू कंप्लाई विद द शेल्टर, और आपके पास आगे बचे हैं 8.25 मिनट, 8.25 मिनट, 8.25 मिनट आप लोगों के पास बचे हैं किसके लिए? टू कंप्लाई विद द शेल्टर, कि आप लोग अपनी शरण स्थली में चले जाएं, छिप जाएं, छिपने के स्थान पर चले जाएं। रिक्वायरमेंट्स पब्लिश्ड इन द सिविल डिफेंस कोड सेक्शन एटॉमिक अटैक। और देखिए वो जो शरण स्थली है, वो जो शेल्टर है, उसके बारे में बता दिया गया है आप लोगों को पहले ही। सिविल डिफेंस कोड में जो सेक्शन एटॉमिक अटैक है, उस सेक्शन का नाम है एटॉमिक अटैक, उसमें पूरी डिटेल लिखी है उस शेल्टर के बारे में कि अगर एटॉमिक हमला होता है तो आपको शेल्टर में कहां किस तरीके से जाना है।
स्पेशली शॉर्टेंड मास विल बी ब्रॉडकास्ट एट द एंड ऑफ दिस अनाउंसमेंट। और कहा जा रहा है कि जो अनाउंसमेंट है जो 2.25 मिनट लेगा, इस अनाउंसमेंट के बाद एक छोटा सा, एक स्पेशली शॉर्टेंड मास, एक छोटा सा स्पेशल मैसेज दिया जाएगा। प्रोटेस्टेंट एंड ज्यूइश सर्विसेज विल बिगन साइमल्टेनियसली। आप देखिए अनाउंसमेंट को थोड़ा सा रिलीजियस टच दिया गया है यहाँ पे, कि जो प्रोटेस्टेंट है और ज्यूज जो हैं, दोनों को मिलकर कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कार्य करने पड़ेंगे। सेलेक्ट योर वेवलेंथ इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द डिफेंस कोड। देखिए पहले से ही डिफेंस कोड नाम का कोई सेक्शन पब्लिश करा दिया गया है, और क्या बता रहे हैं ये अनाउंसमेंट में कि सेलेक्ट कर लीजिए योर वेवलेंथ इमीडिएटली, अपने रेडियो की वेवलेंथ सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप इस अनाउंसमेंट को क्लियरली सुन सकें। और वो किस वेवलेंथ पे सेलेक्ट करना है ये पहले ही बता दिया गया है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इन द डिफेंस कोड। डिफेंस कोड में ये इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए गए हैं कि वो अनाउंसमेंट किस वेवलेंथ पर आया। वो नहीं आता रेडियो मिर्ची देखिए 98.5 समथिंग, पता नहीं कौन से वेवलेंथ पे आता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता है, मैंने तो ऐसी थोड़ी सी राइमिंग बना दी है। बट देखिए हंसने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, बहुत सीरियस अनाउंसमेंट चल रहा है। क्या बता रहा है अनाउंसमेंट कि अपने रेडियो की वेवलेंथ को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोग अनाउंसमेंट क्लियरली सुन सकें। और वो बता दिया गया है आपको पहले ही डिफेंस कोड में कि किस वेवलेंथ पे अनाउंसमेंट आप लोग क्लियर से सुन सकेंगे। डू नॉट टेक वेल लव्ड पेट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स इनटू योर शेल्टर। अब क्या बोल रहे हैं अनाउंसमेंट में कि आप अपने वेल लव्ड पेट्स को, जो आपको प्रिय हैं, आपके पेट्स हैं, आपके पालतू हैं, उनको अपने साथ शेल्टर में मत ले जाइए। एंड इंक्लूडिंग बर्ड्स, और बर्ड्स पक्षी या पशु जो भी आपके प्रिय हैं, जो भी आपने पाल रखे हैं घर में, उनको अपने साथ शेल्टर होम में मत ले जाइए। दे विल कंज्यूम फ्रेश एयर, वो लोग फ्रेश एयर कंज्यूम कर लेंगे। भाई ऑक्सीजन की वैसे ही कमी होगी, आप लोगों के लिए ही पूरी पड़ जाए, पर्याप्त हो जाए, वही काफी है। अगर आप अपने पैट्स और अपने बर्ड्स को भी शेल्टर में ले जाएंगे तो वो लोग फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। देखिए कितना इनह्यूमन एटीट्यूड है यहाँ पर, कितना डायरेक्ट बात कही गई है कि भाई इतना क्रूअल बात कही गई है कि अपने प्रिय जानवरों को भी आप अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि वो आपके हिस्से की जो ऑक्सीजन है उसको भी खींच लेंगे, इसलिए इनको यही छोड़ के जाइए। आगे पढ़िए, लीव द ओल्ड एंड बैड रिडन, यू कैन डू नथिंग फॉर देम। पशु पक्षी तो पशु पक्षी, इसके अलावा जो आपके घर पर ओल्ड या फिर बैड रिडन है या बीमार है, जो बेड पर लेटे हुए हैं, यू कैन डू नथिंग फॉर देम, सो लीव देम, उनको भी छोड़ जाओ, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। वो भी फ्रेश एयर कंज्यूम करेंगे अगर आप उनको अपने साथ शेल्टर में ले जाएंगे, उनको भी यही छोड़ जाओ। रिमेंबर टू प्रेस द सीलिंग स्विच व्हेन एवरीवन इज इन द शेल्टर। अब जब सब लोग आप शेल्टर में पहुंच जाए तो एक बात का ध्यान रखें, किस बटन को ऑन करना है। जब आप लोग शेल्टर में पहुंच जाए तो प्रेस द सीलिंग बटन, सीलिंग स्विच जो है उसको प्रेस कर दें, सील हो जाएगा आपका शेल्टर, ओके, सुरक्षित हो जाएगा। सेट द रेडिएशन एरियल, टर्न ऑन द गाइगर बैरोमीटर, और वहां पे जाके अपना रेडिएशन एरियल, जिससे कि पता चलता रहे कि रेडिएशन कितना किस किस एरिया में कितना फैला हुआ है, और आपका जो गाइगर बैरोमीटर उसको ऑन कर लेना। शेल्टर में जाने के बाद शेल्टर का स्विच बंद कर लेना और उसको बैरोमीटर को और रेडियल एरियल को आप बिल्कुल फिट फाइंड कर लेना, उनके स्विच ऑन कर लेना, ठीक है। टर्न ऑफ योर टेलीविजन नाउ, अब अपने अपने टेलीविजन बंद कर दो। टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली, द सर्विस इज एंड, अपने अपने रेडियोज बंद कर दो, सर्विस यही खत्म होती है, अनाउंसमेंट पूरा हो गया। जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो टीवी बंद कर दो, जो रेडियो पे देख रहे हैं वो लोग रेडियो बंद कर दो, क्योंकि अनाउंसमेंट बस इतना ही था, अब बस हमारा अनाउंसमेंट खत्म होता है, सर्विस इज एंड। एट द सेम टाइम सिक्योर एक्सप्लोजन प्लग इन द एयर, और हाँ एक बात और ध्यान रखना कि अपने कानों में वो एक्सप्लोजन प्लग लगा लेना, क्योंकि जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब आके फटेगा यहाँ पर मेन सिटी में तो आप लोगों को कान में बहुत तेज आवाज आएगी बम की बम, ताकि वो आवाज ना आए अपने कानों को बंद कर लेना, प्लग लगा लेना कानों में। ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के कानों में भी वो प्लग
लगा देना। टेक डाउन योर प्लाज्मा फ्लास्क। प्लाज्मा फ्लास्क, प्लाज्मा क्या होता है? वो ब्लड में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है ब्लड का, जो अराउंड 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम को बनाता है। ठीक है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी बढ़ा लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं मीन, इसका मतलब ये है कि अब फाइनली तैयार हो जाओ। टेक डाउन योर प्लाज्मा फ्लास्क, फाइनली सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रख दो। गिव योर चिल्ड्रन द पिल्स मार्क्ड 1 and 2 इन द सीडी ग्रीन कंटेनर, देन पुट देम टू बेड। और अपने अपने बच्चों को पिल्स दे दो जिन पर 1 और 2 नंबर लिखे हुए हैं, और वो किस में है? सीडी ग्रीन कंटेनर में, ग्रीन कलर के कंटेनर में वो पिल्स हैं जिन पर 1 नंबर और 2 नंबर लिखा है, वो अपने अपने बच्चों को दे दो। एंड देन पुट देम टू बेड, और अपने बच्चों को बेड पर सुला दो, लिटा दो। डू नॉट ब्रेक द इनसाइड एयरलॉक सील अंटिल द रेडिएशन ऑल क्लियर शोज। और जब आप अपने शेल्टर में चले जाएं, तब तक अपने एयरलॉक सील को ना तोड़े जब तक कि रेडिएशन, क्योंकि बम फूटने से, न्यूक्लियर बम के फूटने से इतनी रेडिएशन उत्पन्न होगी, तो वो जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग एयरलॉक सील को तोड़ेंगे नहीं। वॉच फॉर द कुकू इन योर परस्पेक्स पैनल, मतलब अपने इस रेडिएशन कहाँ तक कितना फैला है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, उसको देखने के लिए आप अपने कुकू को देख सकते हैं परस्पेक्स पैनल में। और योर डिस्ट्रिक्ट टूरिंग डॉक्टर रिंग्स योर बेल। देखिए भाई, या तो डिस्ट्रिक्ट टूरिंग डॉक्टर आपकी घंटी बजाए, तब तो आप अपनी एयरलॉक सील तोड़ना, खोलना जिस शेल्टर में आप हो, या फिर ये देख लेना कि रेडिएशन खत्म हो गया है पूरी तरह से, तब आप अपनी एयरलॉक सील खोलना शेल्टर की। उससे पहले किसी के लिए भी आप अपने शेल्टर की एयरलॉक सील को नहीं तोड़ेंगे। इफ बिफोर दिस योर एयर बिकम्स एग्जॉस्टेड, और अगर मान लीजिए आप शेल्टर के अंदर हैं, शेल्टर के अंदर आप एयरलॉक हो गए हैं, सील पैक हो गए हैं, और वहां जितनी एयर है आप उसको कंज्यूम कर चुके हैं, और अब बची नहीं है एयर, फ्रेश ऑक्सीजन अब नहीं बची है आपके लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ बिफोर दिस, अगर रेडिएशन खत्म होने से पहले, किसी डॉक्टर के आने से पहले ही आपकी जो शेल्टर है उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो आपको क्या करना है? और इफ एनी ऑफ योर फैमिली इज क्रिटिकली इंजर्ड, और यदि आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया है, मान लीजिए शेल्टर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, रेडिएशन अभी बाहर खत्म हुआ नहीं है, और कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं आया, तो आपको अपना शेल्टर तो खोलना ही नहीं है। और ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो, और दूसरी कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार हो गया, इतना बुरा इंजर्ड हो गया जो सही नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है? क्या बताते हैं देखिए, तो क्या करना है? एडमिनिस्टर द कैप्सूल्स मार्क्ड वैली फॉर्ज। तो क्या लेना है आपको? उस व्यक्ति को जो क्रिटिकली इंजर्ड है उसको, और खुद को ये कैप्सूल खिला देना है। कौन सा वाला? नाम है वैली फॉर्ज। वैली फॉर्ज लिखा है उस कैप्सूल पर, वो वाला कैप्सूल खुद भी खा लेना और अपने इंजर्ड फैमिली मेंबर को भी दे देना। वो कहाँ मिलेगा तुमको? रेड पॉकेट इन नंबर 1 सर्वाइवल किट। देखिए, नंबर 1 की जो सर्वाइवल किट है, जो नंबर 1 वाली सर्वाइवल किट है ना, उसमें एक रेड पॉकेट है, उसमें रखा हुआ है ये वाला कैप्सूल, फॉर पेन लेस डेथ। और ये कैप्सूल क्यों खाना है? इसे खा के क्या फायदा होगा आपको? पेनलेस डेथ आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, दर्द नहीं हुआ। ठीक है, देखिए भाई, क्रुएलिटी देखिए आप अनाउंसमेंट की। कैथोलिक्स विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय देयर प्रीस्ट व्हाट टू डू इन दिस इवन एक्चुअली। और जो कैथोलिक लोग हैं उनको उनके प्रीस्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे कि उनको इस परिस्थिति में क्या करना है। दिस अनाउंसमेंट इज एंडिंग, अब ये अनाउंसमेंट खत्म होती है। Our president has already given orders for massive retaliation. हमारे प्रेसिडेंट ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं कि हम इसका बदला लेके, रिटेलिएशन, हम इसका रिवेंज लेकर रहेंगे। प्रेसिडेंट ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो दुश्मन देश ने हमारे देश पर मिसाइल फेंकी है, हमारे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला किया है, इसका बदला हम लेकर रहेंगे। इट विल बी डिसिसिव, ये बिल्कुल फाइनल है, निश्चित है कि बदला हम लेकर ही रहेंगे। सम ऑफ अस मे डाई, अब जब न्यूक्लियर अटैक होगा
तो जाहिर है मौतें तो होंगी ही, हम में से कुछ लोग मर सकते हैं, हम में से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। रिमेम्बर स्टैटिकली इट इज नॉट लाइकली टू बी यू, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सभी लोग मर जाएंगे, तो थोड़ी सी आशा उम्मीद बंधाए रखो कि मरने वालों में शायद आपका नाम ना हो, थोड़ी सी उम्मीद ये भी है। इट इज नॉट लाइकली टू बी यू, शायद मौत आपको ना आए। All flags are flying fully dressed on government buildings. The sun is shining. इसके अलावा all flags are flying fully. सारे के सारे जो flags हैं वो fully hoist हो रहे हैं, लहरा रहे हैं government buildings पर, और the sun is shining. सूर्य रोजमर्रा की तरह चमक रहा है और सारा दिन ठीक है और सब कुछ सही है, बस न्यूक्लियर रॉकेट वहां से लॉन्च हुआ है जो हमारी सिटीज पर गिरने वाला है और सब सही है। डेट इज द लीस्ट वी हैव टू फियर। अब भाई मृत्यु के बाद कोई और चीज तो ऐसी नहीं बचती जिससे कि डरा जाए, मृत्यु ही एक ऐसी चीज है डेट इज द लीस्ट टू बी फियर जिससे डरा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मौत आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। वी आर ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, हम सब भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं, सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। वट एवर हैपन्स हैपन बाय हिज विल, जो भी कुछ घटित होता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित होता है वो ऊपर वाले की आज्ञा के अनुसार, ऊपर वाले की सहमति के अनुसार ही घटित होता है। तो अपने आप को आप ऊपर वाले के हवाले कर दो, आप कुछ और कर भी नहीं सकते। नाउ गो क्विकली टू योर शेल्टर्स। ठीक है, अनाउंसमेंट फाइनली खत्म होता है, अब शीघ्र ही आप लोग अपने अपने शेल्टर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये थी आपकी पोयम, कैसी लगी पढ़ के? मूड खराब हो गया ना पढ़ के? तो दिस इज एपोकलैप्टिक पोयम, यही होती है एपोकलैप्टिक पोयम जो डिस्ट्रक्शन की बात करती है, जो वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की बात करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।